नमस्कार श्रोताओं, मैं वैशाली बरसैया फिर से हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज का पॉडकास्ट बहुत ही सुरमई होने वाला है। अगर आप म्यूजिक लवर हैं, आपको संगीत पसंद है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। द मेलोडियस लाइफ ऑफ डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे, सरिता का प्रवाह, पक्षियों का कलरव, हवा का वेज, छोटे छोटे कीड़ों की आवाज और कभी नितांत शांत भाव संगीत के स्रोत माने जा सकते हैं। सामवेद में इसे भली तरह परिभाषित किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जैसे पांचवे वेद को प्रस्तुत करने के बावजूद सामवेद को ही श्रेष्ठ माना है। संगीत दिवस के इस अवसर पर हम जिस व्यक्तित्व से मुलाकात कराएंगे, उनका जीवन ही संगीत का पर्याय है। डॉक्टर शिप्रा ने अब तक हजारों बच्चों को संगीत का प्रशिक्षण दिया है। उनमें चर्चित नाम है इशिता विश्वकर्मा, श्रद्धा बिल्लोरे, जिनको प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिला है। श्री जानकी बैंड इस समय देश में पहला महिला बैंड है। इस संगीत समूह में 22 बेटियां शामिल हैं। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, संगीत पर केंद्रित हमारे इस पॉडकास्ट में हम डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे जी और सुरभा बिल्लोरे जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो आइए हम चलते हैं डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे जी के सुरीले सफर में। तो अब हम जानते हैं डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे जी से कि संगीत क्या है। संगीत सभी अपने अपने तरह से उसको अनुभव करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हमें सामान्य रूप से कहूँ तो संगीत वह ध्वनि जो कानों से सुनकर बहुत मीठी लगे, मधुर लगे और अंतर मन को छू जाए, अंतर मन के भावों को जो इतने उल्लास के साथ प्रकट कर सके, वही संगीत है और उसी से हम ईश्वर तक जुड़ सकते हैं। तो संगीत एक बहुत ही दिव्य एक अनुभूति है जिसे हम सब अनुभव करते हैं और हमेशा उससे जुड़े रहने का ही प्रयास करते हैं। अब हम जानते हैं कि डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे जी का सफर शिप्रा सुल्लेरे से डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे संगीत गुरु तक कैसा रहा और आपने संगीत का इतना चुनौतीपूर्ण सफर कैसे तय किया। हाँ, बचपन से ही मैं संगीत से जुड़ी रही। जुड़ी इसका मतलब ये है कि 3 साल की उम्र से मेरे घर वाले बोलते हैं, बताते हैं कि 3 साल की छोटी उम्र से ही मैं गानों को सुनकर गाती थी। दादाजी के गाने तो सब जैसे छोटे बच्चों को सुनकर बुलाते हैं, आज ये गाना सुनाओ, ये गाना सुनाओ। तो इस तरह से संगीत कहीं ना कहीं मेरे अंदर उस उम्र में आ चुका था और क्योंकि मैं सुन रही हूँ, सुन के वो गीत अच्छा लग रहा, फिर मैं उसे गुनगुना रही हूँ, सबको पसंद भी आ रहा है, तो इस तरह से संगीत चल रहा था। फिर स्कूल में भी एक विषय के रूप में जब मिला तो उसको और जानने का मौका मिला तो उसमें और मुझे मजा आया कि ये तो कुछ इसमें और अलग है। इस तरह से स्कूल से शुरुआत होते होते फिर मेरी जो गुरु है नीलमा देवी जी, उनसे मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने मुझे प्रारंभिक शिक्षा लेना प्रारंभ किया। गुरु शरद नांदे जी से मुझे संगीत की शिक्षा मिलनी शुरू हुई और तब तो मेरा संगीत के प्रति जो था वो पूरी तरह से मुझे ये लगने लगा कि अब तो मुझे संगीत के सिवा और कुछ है ही नहीं शायद मेरी लाइफ में, या इसके परे मैं करूँगी क्या। तो उससे मेरा इतना गहरा नाता होता गया, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कैसे संगीत में समाती चली गई और संगीत मुझ में समाता गया और उसका जो सुखद पक्ष है वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुझे अपनी तरफ खींचता था। तो इस तरह से संगीत से जुड़ती हुई मैंने स्कूल फिर कॉलेज और इस तरह से छोटे छोटे कार्यक्रमों में मैंने प्रस्तुतियाँ देते हुए तो संगीत में फिर ऐसा हुआ कि नहीं अब तो मुझे इसमें कुछ अच्छा करना है। और शुरू में जैसे सभी लोग करते हैं, हम लोगों ने भी एक ट्रेडिशनल जैसा एक हम लोगों की पढ़ाई होती है स्कूल कॉलेज की, वैसे ही मैंने भी की। मानकुआर भाई कॉलेज से मैंने पूरा बीए फिर एमए संगीत में भी किया। वहाँ के गुरुजनों से जब मैंने राग संगीत और विस्तृत रूप से जाना तो फिर संगीत से जो मेरा प्रेम था वो दिन पे दिन और गहरा होता गया। और लेकिन बड़ा ही चैलेंजिंग भी रहा क्योंकि जो चीज़ें संगीत को जब हम सीखते हैं तो उसका जो शास्त्रीय पक्ष होता है वो बहुत जटिल भी होता है और जटिल ऐसा कि उसमें बहुत अनुशासन भी चाहिए। वो जो उम्र होती है बच्चों की और फिर जब युवा अवस्था में पहुँचते हैं तो उतना धैर्य उसकी साधना करने के लिए जो एक तन्मयता चाहिए वो इतनी सहज रूप से नहीं होती है। मन चंचलता भी अति में होती है लेकिन संगीत को एक गंभीरता भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि शायद मेरा स्वभाव भी बचपन से थोड़ा सा अंतर्मुखी रहा है
तो उसने भी थोड़ा मदद किया कि मैं अपनी चीजें ज्यादा सबसे शेयर नहीं करती हूँ, और संगीत से जुड़ने में मुझे कि मैं सीख रही हूँ और उसकी सारी चीजों को अंदर ही अंदर मनन कर रही हूँ, चिंतन कर रही हूँ, किसी का सुनती हूँ किसी को, तो मुझे भी ऐसा ही करना है, ये कैसे गा लेते हैं, एक दिन मुझे भी ऐसे ही करना है। तो उसके लिए जब मेरे गुरुजनों ने बताया कि बिना रियाज के तो कुछ संभव नहीं, और सभी की आवाज में संपूर्णता नहीं होती है, कुछ चीजें गले में है जो हमें गॉड गिफ्टेड मिली हुई होती है, कुछ संगीत जो पहले से था, कुछ चीजें जो आपको उसको और रिच करना है तो उसके लिए काफी रियाज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना कम्फर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए सुबह से रियाज करना। तो जब उसे चीजें नहीं निकलती, गले से नहीं हो रही, रागी गाते नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मुझे रोना भी आता था कि क्या मैं कभी गा नहीं पाऊंगी, मुझे संगीत छोड़ना पड़ेगा। तो उसका जरिए मुझे बताया गया कि नहीं, आप सुबह से रियाज कीजिए, और रियाज एक ऐसी कुंजी है जो हमें संगीत में सफलता भी दे सकती है और उसकी सारी चीजों को हमारे अंदर ला सकती है। तो मैं सुबह से फिर किसी तरह अपने आप को जिद बना के 5 बजे से उठकर ठंड हो गर्मी हो बारिश हो उसमें रियाज करना, इस तरह से संगीत से मेरा लगाव, और जब चीजें दिन ब दिन सुधार होता जा रहा, जो कभी मैं नहीं गा पाती थी उसमें जब मैंने देखा कि हाँ होता जा रहा, इस तरह से एमए पास किया और अच्छे अंकों से मैंने एमए पास किया, तो थोड़ा सा और मन में आई कि अब तो संगीत में मैं भी शिक्षक बनूंगी, जैसे कि मेरे गुरुजन उनको देखकर मुझे लगता था मैं भी एक दिन ऐसे ही सिखाऊंगी संगीत को। और लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ पढ़ाई बस पूरी की हुई है, अभी तो बहुत कुछ जिसको अभी हमको करना है, पढ़ाई में तो हमने बहुत थोड़ा सा ही संगीत को जान पाया है, उसके बाद उन चीजों को काम करने के लिए अब आपको अब जुटना पड़ता है, जब हमने मास्टर डिग्री कर ली अब उस पर अपने ऊपर काम करना शुरू किया, जो जो चीजें जो जो अंग मेरे वो नहीं थे। और इसमें बड़ा ही सौभाग्य बोलना चाहे मैं बोलना चाहूंगी कि शायद ईश्वर की भी यही मंशा थी कि मेरा जो जीवन है इस दिशा में ही जाना था, तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को मानूंगी कि मैं छोटी सीढ़ी साई दरबार से जुड़ी, जहाँ साई बाबा की कृपा से मैंने श्री मलयदास गुप्ता जी के लिखे भजनों को, मैं मुझे नहीं मालूम था कि मेरे मुझ में क्षमता है कि मैं गीतों को कंपोज भी कर सकती हूँ, और उन्होंने बोला और मैं ना नहीं कह पाई, जैसा कि मेरा स्वभाव रहा है कि मैं पढ़ों को कैसे ना पाऊँ। ईश्वर का नाम लेके गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने धीरे से भजन कंपोज करना शुरू किया, पसंद आया सबको, और फिर बाबा के सामने हर दरबार में बैठकर उनको सुनाना मेरे लिए सबसे सुखद था, और मुझे लगता था मेरी कला का इससे सुंदर मूल्य और इतनी सुंदर इसका जो बोलना चाहिए कि प्रशंसा तो हो ही नहीं सकती है, इसका इतना अच्छा माध्यम तो हो ही नहीं सकता कि जो ईश्वर चरणों में, और मुझे जो आनंद अनुभूति होती थी उनको जब मैं सुना रही हूँ, और मुझे नहीं मालूम कि वो कैसा है, बस मैं तो ये सोच के गा रही हूँ कि मुझे बाबा को आज भजन सुनाना है, और वो कंपोज होते जाते थे, मैं उन्हें सुनाती थी, लोगों से मुझे तारीफ भी मिलने के लिए, तो बहुत अच्छा था, थोड़ा हौसला भी मिलता जा रहा था, और इस तरह से मेरा थोड़ा सा संगीत का दायरा और बढ़ा कि अब मैं स्वच्छंद होकर काम कर रही थी, जहाँ मैं एक विद्यार्थी थी वहाँ से अब मैंने अपने तरफ से उसमें जो जितना अर्जित किया उस पर मैंने काम करना शुरू किया, और आत्मविश्वास भी बढ़ता गया, और संगीत में और अच्छा करना है, और जब मैं गाऊं वो भावपूर्ण भी हूँ लोगों को, और मैंने देखा कि मैं तो भाव से भरी रही थी जब मैं गाती हूँ, लेकिन लोगों को अनुभव भी रहा कि जब तुमने गाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए या मुझे आंसू आने शुरू हो गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि संगीत ही एक माध्यम है जो ईश्वर से जुड़ता है, और ईश्वर की ही वो आवाज़ हमारे अंतर्मन में रहती है, और उसे ही भावों के द्वारा हम प्रकट करके पहुँचाते हैं। तो सबसे सरल सुगम माध्यम यदि ईश्वर को प्राप्त करने का है तो वो संगीत, इसलिए भक्ति और संगीत दोनों एक रूप है, और मुझे बहुत ये सौभाग्य मिला कि मुझे इस तरह का संयोग मिलता गया, मेरी संगीत यात्रा को एक से बढ़कर एक आयाम मिला। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जो जिसे मैं बोलूँगी बाबा का ही आशीर्वाद कहूँगी कि मेरी जो नियुक्ति बाल भवन में हुई, बाल भवन जो महिला बाल विकास का एक छोटा सा संस्था, कला चित्रकला अभिनय खेलकूद इस तरह से, तो मेरा भी जब वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया तो मेरे लिए पहली बार, क्योंकि मैं इस तरह से कभी किया नहीं था, तो मैं अपने सीख ही रही थी, अपने आप को ही निखार रही थी, बहुत कुछ करना मैंने जो जहाँ पर संस्कृति से भरपूर विधाएं हैं वहाँ पर, हाँ जी सारी विधाएं, और बहुत ही अनूठा अनुभव था, क्योंकि अभी तक मैं जिस तरह से संगीत को सीखते आई, जिस माहौल को मैंने देखा विद्यालयों में कॉलेज में, बिल्कुल परे था उससे, ये जो वातावरण था वहाँ का कि सारे बच्चे 5 साल के
की उम्र के बच्चे वहाँ पर आए हैं, हम लोग भी इतनी छोटी उम्र से, मैंने तो नहीं सीखा था। तो वहाँ पर ये रहा कि वहाँ पे जो बच्चे थे वो बहुत ही उस वर्ग के बच्चे थे जहाँ कला का तो बीज ही नहीं है, जहाँ माता पिता को ये भी नहीं है, उनके संस्कार में उनके उसको कहीं परिवेश में संगीत या कला है ही नहीं। उनके लिए तो बस एक मौज मस्ती की जगह थी कि चलो खेलने आते हैं। और ऐसे बच्चों के उसमें मुझे संगीत जैसी इतनी दिव्य विधाया, इतना बड़ा काम करना है कि उनके अंदर को डालना है, जो कि मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। लेकिन मैंने जीवन में कभी विकल्प नहीं ढूंढे हैं कि मुझसे नहीं होगा या नहीं। मुझे तो ये लगता है कि जो भी मुझे उम्मीद मेरे अंदर अगर किसी ने उम्मीद देखी है या मुझे काम सौंपा है, मुझे करना है। दो ही पक्षों में, बहुत अच्छा या थोड़ा सा खराब होगा, तो उससे सबक लेके कुछ और करना चाहूँगा। अभी केड़े मेड़े रास्तों से होकर के निकला है आपका संगीत जी। और लेकिन शायद इस तरह के कामों को मुझे करने का अवसर सुअवसर मिला, इसीलिए मेरी जो संगीत की जो यात्रा है या संगीत का जो मेरा जो पक्ष है वो अन्य लोगों से बहुत अलग हो सका। और जिसमें बालवन की तो बहुत ही बड़ी भूमिका है, क्योंकि यहाँ मैंने जो जिन बच्चों को मैंने सिखाया, हर तरह के बच्चे आए हैं। और इसमें दिव्यांग श्रेणी के बच्चे भी रहे, जो कि मेरे लिए बहुत ही अनूठा अनुभव रहा। कभी मैं बच्चों से जुड़ी ही नहीं थी, कभी मेरा इस तरह के माहौल में मैंने कभी अपने पास से देखा नहीं था। उन बच्चों को सिखाना, उनमें संगीत लेकर आना, लेकिन बात यही थी कि यहाँ पे जो बच्चा आया उसको मुझे सिखाना है, उसमें मेरी च्वाइस नहीं है, क्योंकि बच्चा आया है मुझे उसको देना है। अब देना है तो उसके लिए मैं कौन सा प्रयोग अपनाऊँ, कौन सी विधि अपनाऊँ, ताकि संगीत की वो उसका खूबसूरत पक्ष भी उन्हें देखे, लेकिन जटिल और कठिन ना लगे, उनको बड़े आनंदित होकर उनको लगे कि हम तो खेल रहे हैं। और इस तरह से बालवन का बहुत बड़ा रोल है मेरे जीवन में। और वहाँ से ही मुझे बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मेरा संपर्क हुआ, बहुत गुणीजनों से मेरा संपर्क हुआ, और सबने मुझे इतना इस काम में और इस क्षेत्र में मेरी बहुत मार्गदर्शन भी दिया, मुझे सहयोग भी दिया है, और आज भी कर रहे हैं। और संस्था के संचालक श्री गिरीश बुल्लोरे जी का तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि मैं आज भी इससे जुड़ी हुई हूँ। और अभी तक की मेरी जो यात्रा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारा अच्छे पक्ष भी रहे थे कुछ, लेकिन मैं अच्छे को देखूंगी। तो उस उपलब्धि में मेरे साथ बहुत जीवन अगर है तो संघर्ष में है जी, लेकिन संघर्ष में इतने अच्छे लोगों का साथ मिला कि संघर्ष की जो कठिनता थी, जो उसका जो कठोर पक्ष था, वो मुझे उतना महसूस हुआ। क्योंकि संगीत ईश्वर से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो हमको थाम लेता है, जो संघर्ष है हमारे, वो जो कांटे आते हैं रास्ते में वो हमको चुनता चला जाता है। और बच्चों से मुझे बचपन से बहुत प्रेम रहा है, और मैं तो तब से वो मुझे काम भी इस तरह से मिला कि मैं जिसको बोलना चाहिए कि मेरा व्यवसाय है, रोजगार मिले, तो वो रोजगार ना हो के मेरे ही मन का काम मिल गया, तो मुझे कभी काम जैसा नहीं लगा कि मैं ड्यूटी करने जा रही हूँ, ऐसा मुझे होता नहीं है। उसने रोजगार का स्वरूप ले लिया, हाँ, उसमें नया कुछ कर सकूँ इन बच्चों को भविष्य में। मैं अगर कुछ थोड़ा बहुत ही मुझे अगर आता है तो मैं देखे, अगर ये बच्चों का कुछ भला हो सकता है, इनके भविष्य में कुछ अच्छा हो सके, तो यही मेरी कोशिश हुई। बच्चों से मुझे बहुत प्यार मिला है, उन बच्चों को मैंने अपने बच्चों जैसे, वो बच्चों ने मुझे अपनी माँ के रूप में ही मुझे करके उस पद पर बैठाला जिसकी योग्य तो शायद मैं नहीं थी, वो गुरु समान पद मुझे दिया। और ये मेरे लिए जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ईश्वर का वरदान है, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद है। मुझे संगीत में इतना अच्छा सुखद अनुभूति मुझे थी। एक तरफ पॉलिटिकल कोई अच्छी पोस्ट दी जाए और एक तरफ संगीत का कोई बड़ी पोस्ट हो, तो आप किसको चुनना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि मैं तो संगीत को ही चुनूंगी, क्योंकि मेरे लिए कोई पद, कोई भी ऐसा स्थान संगीत से बड़ा है ही नहीं। और इसके लिए मैंने बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मैंने होल्ड पे किया है जिससे मेरा संगीत प्रभावित ना हो। तो संगीत सिखाने में आपको बहुत चुनौतियां आती होंगी? हाँ, चुनौतियां नहीं बोलूंगी उनको, लेकिन मैं खुद ही उनसे सीख रही होती हूँ, या मैं अपने संगीत को ही कुछ एक नया रूप दे रही होती हूँ। जब किसी मासूम से बच्चे को, तो उनके लिए क्या किया जाए कि एकदम से शास्त्रीय पक्ष तो उनको दिया नहीं जा सकता है संगीत के लिए, जो एक मैच्योरिटी लेवल चाहिए होता वो उनमें अभी नहीं है, तो उनको धीरे धीरे उस तक कैसे लेकर आऊँ, ये थोड़ा सा मेरे लिए ही एक टफ टास्क होता है। और कहीं ना कहीं मुझे कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट करने का भी मौका मिलता है, तो हल्के फुल्के छोटे छोटे गीत और खेल कूद के मजो, इस तरह से संगीत हम लोगों ने भी नहीं सीखा, पारंपरिक तरीके से सीखा, लेकिन बालवन में मुझे बच्चों को बिल्कुल उसका विपरीत विधि अपनाकर बच्चों के अंदर वो बीज का रोपण करना होता है। बच्चों के लिए ईश्वर भी क्या परीक्षा लेते हैं ना,
कि देखिए अगर विपरीत परिस्थितियाँ आ रही हैं आपके साथ में संगीत हुई तो आप उसको कैसे मतलब एक चैलेंजिंग होता है ना कि आप उसको कैसे वहाँ से निकल सकते हैं या उनको कैसे आप बता सकते हैं। ये देखिए संगीत और आध्यात्म बहुत गहरा संबंध है। जैसे जैसे आप संगीत से जुड़ते जाते हैं आपके अंदर एक अनूठा ही परिवर्तन आता है। आप नहीं जानते रहते इसी दुनिया में आपका दृष्टिकोण बदलता है, आपकी सोच बदलती है, आपकी सहन शक्ति। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही रोचक और जानकारी पूर्ण पॉडकास्ट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।